इधर कांग्रेस की दूसरी सूची में INS247 के द्वारा बताए गए नामों पर मुहर लगी है। बलौदा बाजार से कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश नितिन त्रिवेदी का नगर आगमन पर कांग्रेसियों ने भव्य स्वागत किया है। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने आईएनएस की गई जागरूकता पूर्ण पत्रकारिता और सूचना तंत्र की प्रशंसा की। उन्होंने आईएनएस से खास बातचीत में कहा कि अगर क्षेत्र की जनता मुझ पर भरोसा जताती है तो क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य व सड़क के लिए काम करेंगे। सूची जारी कर दी है, यह वही तय नाम है जो आईएनएस ने पहले भी अपने दर्शकों को बताए थे। आईएनएस के तय नामों पर ही कांग्रेस ने मुहर लगाई है। बलौदा बाजार से कांग्रेस ने इस बार पहले सूची त्रिवेदी को मौका दिया है। आइए हमारे साथ मौजूद से जानते हैं। कांग्रेस के तय नामों की सूची आईएनएस ने पहले ही बता दी थी। हमारे लिए बहुत गौरव की बात, पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और समाचार माध्यमों की सूचनाओं तक पहुंच निश्चित रूप से प्रशंसनीय होती है। मैं आपके न्यूज चैनल के द्वारा की गई जागरूकता पूर्ण पत्रकारिता के लिए आपका अभिनंदन करता हूं। पार्टी ने भरोसा जता दिया है, जनता का विश्वास जीतने के लिए आगे क्या कुछ करने वाले? पार्टी ने भरोसा जताया है तो ये जनता के कारण ही हो सका है। पार्टी के लगातार सर्वे होते रहे और हर सर्वे में यदि मेरे पक्ष में परिणाम आया है तो ये क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है। बलौदा बाजार नगर का स्नेह, सिलदा का स्नेह, सुहेला, हदबन, तरपोंगी, अर्जुनी, रसेड़ा, रसेड़ी, चारों तरफ से जो आज पूरे क्षेत्र से लोग आए हैं, हर गांव से लोग आए हैं। टिकट के लिए काफी लंबा संघर्ष देखने को मिला, आपको क्या अनुभव? कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसमें टिकट के लिए सब एक से एक योग्य प्रत्याशी रहते हैं, कोई प्रत्याशी किसी से कम नहीं है, इसलिए चयन करना कठिन होता है। लेकिन जब एक बार चयन हो गया है तो कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर पंजा छाप को जीत दिलाएंगे। इस बार बलौदा बाजार विधानसभा में कांग्रेस का तिरंगा झंडा फहराएगा। बलौदा बाजार के समग्र विकास के लिए आगे कार्य करने की बात कर रहे हैं, अगर उनकी जीत होती है तो बलौदा बाजार में शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के लिए वो अग्रसर रहेंगे। बलौदा बाजार से आईएनएस के लिए देवेश राहुल।